हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक डिस्कस ऑन प्रोलैप्स रेक्टम। जो रेक्टम है वो प्रोलैप्स हो गई है, बाहर आ गई है, उसे प्रोलैप्स रेक्टम करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। प्रोलैप्स रेक्टम इज डिफाइंड एज ए एबनॉर्मल डिफेक्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो एबनॉर्मल डिफेक्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन की, एंड रेक्टम थ्रू द एनस। जो रेक्टम है वो बाहर आ जाता है एनस के थ्रू। कहाँ से? एनस के थ्रू से बाहर आ जाता है। इंसिडेंस की बात करते हैं। इट इज मोर कॉमन इन इन्फेंसी एंड टोडलर एज। जो कि सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? इन्फेंसी में और टोडलर एज के अंदर हमें देखने को मिलता है। कॉज की बात करते हैं। इट कैन अकर ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एबडोमिनल प्रेशर रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्या होगा? एबडोमन पे प्रेशर पड़ेगा और वो रेक्टम बाहर आ जाने के चांस बढ़ जाता है। इन केस ऑफ चाइल्ड हैविंग डायरिया इट कैन अकर। डायरिया में भी इसके चांस क्या है? बढ़ जाते हैं बाहर आने के रेक्टम के। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड सीवियर लॉस ऑफ इक्वोरेक्टम फैट। अगर देखो माल न्यूट्रिशन होगा तो उसको जो फैट्स है वो लॉस हो जाएगी, तो इक्वोरेक्टल जो फैट्स है वो लॉस होने के बाद क्या वो लूज होकर बाहर आने के चांस उसके बढ़ जाते हैं फिर से। इट कैन अकर व्हेन पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड वीक एंड मोर रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर ऑफ मसल्स। जो पेल्विक की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं, और स्पिंचर जो कि जो कंट्रोल करते हैं जो स्टूल को, वो स्पिंचर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या होता है? रेक्टम प्रोलैप्स होकर बाहर आ जाती है। ये इसके कॉज थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, बात करते हैं साइन सिम्टम की, बात करते हैं। डिसेंट ऑफ पार्ट ऑफ द रेक्टम विच अपेयर स्लोली। ये धीरे धीरे स्लोली हमें अपेयर होने लगता है। द कलर ऑफ प्रोड्यूसिंग पार्ट, जो कलर होता है प्रोड्यूसिंग जो पार्ट बाहर आ चुका है रेक्टम का। अरेंज ऑफ रेड, जो रेड कलर का, डार्क पर्पल कलर का, डिपेंड ऑन द टिश्यू ब्लड सप्लाई ऑफ रेक्टम। डिपेंड करता है उसकी ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है। अगर रेक्टम में अगर बाहर आ भी गया है और बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो कैसा कलर दिखाई देगा, और थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई हो रही है कुछ मात्रा में तो कलर अलग दिखाई देगा हमें। तो वो डिपेंड करता है ब्लड सप्लाई के ऊपर रेक्टम पर लॉप्स होने के बाद में। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। ड्यू टू मैनुअल रिप्लेसमेंट इज पॉसिबल। मैनुअल रिप्लेसमेंट मतलब हाथ से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर पेशेंट को पोजीशन देंगे, मतलब कि इसका हेड जो है वो डाउनवर्ड करेंगे, जिससे क्या है जो रेक्टम प्रोलैप्स वो हुई है वो वापस अपने पोजीशन में चली जाए, जैसे कि हर्निया में देखने को मिलता है, वहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ केस ऑफ प्रोलैप्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पॉलिसी। जो हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट है उसका यूज करना है जल्द से जल्द। न्यूट्रिशन स्टेटस शुड बी इम्प्रूव बाई गुड न्यूट्रिशन वेल पेशेंट इज माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन स्टेटस भी उसका हमें क्या करना है? मेंटेन करना है, क्योंकि स्पिंचर है, मसल्स हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रिशन होना जरूरी है। वो फैट लॉस हो रही है उसको मेंटेन करना है, इसलिए न्यूट्रिशन मेंटेन भी हमें देखना है। पोजिशन ऑफ हेड लो मे हेल्प टू रिड्यूस जो प्रोट्रूशन है। हेड को डाउन करने, जैसे पेशेंट स्पाइन पोजीशन में अगर उसका हेड हम डाउन कर देंगे तो जो लेग एलिवेटेड हो जाएगी तो क्या प्रोलैप्स चीज होगी, वो वापस पीछे की तरफ जाएगी, वो जो प्रोलैप्स हुआ है रेक्टम वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये सब काम नहीं करता तो लास्ट में हमें डू सर्जरी करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट वाइज ट्रीटमेंट अगर फेल, अगर कोई दूसरे ट्रीटमेंट हमारे फेल हो चुके हैं तो हमें सर्जरी पे ही जाना पड़ेगा। होम केयर की बात करते हैं। इनकरेज द चाइल्ड टू डेवलप रेगुलर हैबिट ऑफ डेफिकेशन। मतलब स्टूल पास की हैबिट डालनी पड़ेगी बेबी को, बच्चे को, जो भी है, ठीक है। रेक्टम शुड बी पुश्ड बैक विद ग्लव्स फिंगर इट। जैसे कि हम अगर मैन्युअली किसी की रेक्टम, जो रेक्टम को प्रोट्यूज हो चुके उसे कर रहे हैं, पुश करके वापस अंदर धकेल रहे हैं, तो ग्लव्स वगैरह स्ट्रेच ही करना पड़ेगा। इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस और प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन स्टेटस को हमें देखना पड़ेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब। जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने को डॉक्टर ने लिखी है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, वो प्रिस्क्राइब की हुई है वो रेगुलर टाइम पर हमें देनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।